आज बंद कर दी मम्मा ने। क्या लाया? अब खोलू? नहीं खोल रही मैं आज। ये क्या लाया? पास्ता। और क्या लाया? पास्ता मैकोनी। हाँ। मार्कोनी। मिल भी तू अभी अभी नहीं, अभी तो खाना बना है बेटू, ये शाम को बनाएंगे टी के साथ में। नहीं, जब टी टाइम होता है तब बनाएंगे, अभी नहीं बच्चे। क्या बोला? जब खाना खा, जब चाय पीने का टाइम होता है ना तब बनाएंगे मम्मा इसको, ठीक है? एवरीवन, शाम के बज गए 5 और ध्रुविन लेके आया था अपने साथ में मैक्रोनी और पास्ता, जो वो स्कूल से आया था। पहले बनाया उसके लिए ये मैक्रोनी, ये वाली मैक्रोनी, पता नहीं कौन सी थी, ये पेस्ट वाली जैसे मैक्रोनी थी ऑलरेडी ना, क्रीम वाली मैक्रोनी। 2 बाइट खाए, मुझे बोलता उल्टी आ रही है, ये नहीं खानी है मुझे, पास्ता बना लो। अब उसके लिए पास्ता उधर बॉईल करने को लगाया है। ध्यान रखता है अगर किसी चीज़ के लिए हाँ बोला हो ना, कि ऐसा बोला है कि शाम को बनेगा, तो ध्यान में रखते हैं बच्चे कि शाम को बनेगा। और इस ऐसी ऐसी चीज़ें इसको खिलाती नहीं हूँ, वैसे मैं बिल्कुल ही नहीं खिलाती हूँ, हमारे रूम में मिलेगी नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें, क्या मैक्रोनी पास्ता मैगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पर लेके आया, मैंने सोचा बना लेती हूँ, अगर लेके आया तो नहीं तो मन में रह जाएगी इसके। 6:30 और मैं आई हूँ बच्चों को लेके ऊपर टेरेस पे, इसको लेके आई हूँ। नीचे मच्छर बहुत है हमारे रूम के बाहर ना, बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो टेरेस पे आई हूँ ऊपर। और आजकल हरा भरा होता है चारों चार, देखने में तो हरा भरा होता है। पानी की दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, कल आएगा पानी, आज नहीं आ रहा। देखो पहाड़ियाँ। अब तो 7:30 हो गया है और ध्रुविन अब जाके अपना पास्ता खा रहा है। अभी ऊपर से आने के बाद में नाम नाम की इसने, थोड़ी सी मार भी खाई, इसे डांट पड़ी इसको, फिर ये थोड़ा सा रो भी गया, और फिर नाम नाम की हमने आके, कपड़े चेंज किए, अब जाके पास्ता खा रहा है ये। अब इसके बाद थोड़ी देर होमवर्क करेगा, फिर उसके बाद सो जाएगा, क्योंकि आज दिन को भी नहीं सोया है ना राजा? दिन को सोया था। कहाँ सोए बेटे? नहीं सोया आप दिन को? आज आज दिन को नहीं सोया ये ना, तो अब हम खाना अभी थोड़ी देर बाद होमवर्क करेंगे, फिर उसके बाद और खाना खाएगा ये पहले, है ना? ये तो पास्ता है, ये थोड़ी होता है खाना, खाना तो खाना, खाना तो खाना पड़ता है बेटे, ये थोड़ी होता है खाना। होता भी है? नहीं होता, ये फूड बोले होता है, ये खाना थोड़ी है कोई यार। पास्ता भी होता खाना? नहीं होता राजा, दूध बोले होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूध पी लेगा फिर, है ना? दूध पी लेंगे। ओके हाँ जी जनाब, तो ध्रुविन को मैंने खाना खिला लिया और वो सो भी गया, पास्ता खाया उसने, उसके बाद थोड़ा सा पुलाव, फिर थोड़ा सा दूध पिया, अब सो गया, क्योंकि दिन को नहीं सोया था ना तो उसको बहुत नींद आ रही थी, और थोड़ी सी डांट भी पड़ी, थोड़ी सी मार भी पड़ गई थी उसको, तो वो रोया था, और एक थोड़ा सा एग्जर्शन सा हो गया था उसको। फिर नहलाने के बाद थोड़ी मालिश जैसी की ना, वो बच्चा रिलैक्स हो जाता है, फिर उसको एकदम से नींद आ गई, सो ही गया वो। मैं कह चल तू सो जा, ठीक है शांति मिलेगी मुझे भी। सुबह के लिए मुझे ना करेले की सब्ज़ी काट के रखनी थी, क्योंकि वो रात के काट के रखो ना तो सुबह उतनी कड़वाहट नहीं रहती है उसमें, तो सुबह फिर संडे है, इसको स्कूल जाना नहीं है, तो इसके लंच की टेंशन नहीं होती है, परांठे सुबह इसके लिए बना लेंगे, परांठे खा लेगा क्योंकि ये करेले की सब्ज़ी नहीं खाता है। तो फिर ऐसा है कि कल ही करेले बनते हैं, संडे को भी बन सकते हैं, क्योंकि उस दिन लंच नहीं जाता ध्रुविन का। तो यहाँ पे जो लोकल दूध होता है ना, जो हम डायरेक्ट घर से किसी के लाते हैं ना, तो उस दूध में और जो हम ये जो दूसरा दूध लेते हैं जो थोक विक्रेताओं से लेते हैं हम, उस दूध में बहुत अंतर होता है। तो ये देखो अपने घर के दूध की मलाई कितनी अच्छी लगी, और काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी भी हो गई है। इसको मैं कल मतलब अच्छी तरह से बना के इसका मक्खन, फिर घी निकालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं ना अब ध्रुविन के पापा के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा डिनर ना बहुत VIP होने वाला है। हमने बनाया था दिन में, लंच में पुलाव बनाया था, तो वो काफ़ी सारा पुलाव बच गया क्योंकि मैंने भी मतलब ज़्यादा खाया नहीं, और इन्होंने भी लंच में काफ़ी मतलब कम ही खाया, इन्होंने भी ज़्यादा नहीं खाया, तो उस वजह से सारा पुलाव वैसे के वैसे ही बच गया था। तो फिर मुझे ये था अगर कुछ और बनाऊंगी डिनर में तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर इनको बोला कि आप पुलाव खा लोगे, तो इन्होंने बोला खा लूँगा मैं, बट ये है कि भाई दूध चाहिए इनको पुलाव के साथ, तो तभी इनके लिए मैंने पुलाव के साथ में दिया और अपने लिए चाय बनाई। आज मैं टाइम पे फ्री होने वाली थी, मतलब बिल्कुल टाइम पे फ्री होने वाली थी, बर्तन धो के मैं टाइम से फ्री हो सकती थी, पर इन्होंने मेरे को भी उलझा दिया, पता नहीं किस चक्कर में मैं रह गई। और मत करो बंद लाइट, जानबूझ के लाइट बंद कर रहे हो। और अभी 9:50 हो गया पूरे, 9:50,
क्या बोलू मैं, 9:45 हो गया और इधर देखो बर्तन का ढेर। अभी तक मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, मुझे करेले कट करके रखने थे, मैंने करेले कटने किए हैं। हम दोनों ही फोन देखने बैठ गए, कुछ दिखा रहे थे मुझे, दिखाने के चक्कर में बैठ गई और उसके बाद पता ही नहीं चला कि हम दोनों मतलब आधा 1.5 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो मतलब ये फोन ना बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी है ये, सीरियसली। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि क्यों बैठ गई मैं यार, चुपचाप आ जाती किचन में अपने काम कर लेती। बहुत सारा टाइम वेस्ट करके और आलस इकट्ठा करके मैंने हिम्मत की और मुझे लगा कि उठना तो पड़ेगा, इंदु करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं जूठे बर्तन तो कभी भी नहीं रख सकती हूँ सुबह के लिए। मैं मतलब अगर मैं सो के उठ के सुबह मेरे को ऐसा लगे ना कि वो शिट जूठे बर्तन मुंह लग जाए ना, मेरा तो पूरा दिन ख़राब हो जाए। मतलब बिल्कुल आलस लग गया था मुझे, ऐसी वाली सिचुएशन थी कि बस सोना है अब। फिर भी मैं कहा हिम्मत कर ले, उठी जा, बर्तन तो धोने ही पड़ेंगे और किचन भी साफ़ करना ही पड़ेगा, पूरी स्लैब वगैरह सिंक वगैरह प्रॉपर साफ़ करना ही पड़ेगा। फिर मैं उठ गई हिम्मत करके, और तसल्ली होती है मतलब जब अपना काम कंप्लीट हो ना उसके बाद सोओगे ना तो निश्चिंत होके नींद तो आएगी कम से कम। अगर ऐसे ही छोड़ के चले जाऊँगी ना तो मेरे को तो बेड पे पड़े पड़े भी यही लगता रहेगा कि वो यार बर्तन नहीं धोए। तो यहाँ पे ये जो बर्तन रखने वाला टब है ना, इसको मैं मतलब रोज़ धोती हूँ, दिन में एक टाइम धोती हूँ। जैसे रात को धो लिया तो अगली रात को धोऊँगी, अगर रात को नहीं तो दिन को धो लेती हूँ, मतलब एक टाइम वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि ये नेट वाला नहीं है तो इसमें पानी इकट्ठा होता है नीचे, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे सिंक भी क्लीन कर दिया मैंने, और अब जाके तसल्ली होती है फिर कि हाँ साफ़ हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक बार काउंटर टॉप भी जो है वो क्लीन कर दिया, और गैस अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई भी फूड पार्टिकल आपका इधर उधर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, उस वजह से कॉकरोचेस लग जाते हैं। हाँ जी जनाब, तो मैंने बर्तन धो लिए, सफाई हो गई, मैं करेले कट करने जा रही हूँ। उससे पहले क्या काम होता है मेरा, ये मतलब मैं अगर मैं सो भी गई हूँ ना तब भी मैं उठ के चेक करूँगी कि मैंने इंडक्शन बंद किया है और सिलेंडर बंद किया है कि नहीं किया है, ये मेरा फिक्स है, मतलब ये मैं ज़रूर चेक करती हूँ। तो इधर मैंने करेले निकाल दिए, ये मैंने वॉश करके रखे थे, वैसे वॉश किए हुए हैं ये। अब इनको यहीं बैठ के कट करूँगी मैं, ताकि जो भी गंद फंद हो उसको यहीं पर मैं समेट लूँ। ये करेले मैं घर से लेके आई थी, तो काफ़ी पहले लेके आई थी, मतलब 1 तारीख को मैं घर से आई थी, 1 अगस्त को, तो उस टाइम पे मैं ये लेके आई थी। और ये इतने लेट बन रहे हैं, मतलब 9-10 तारीख को बन रहे हैं, 10 या 11 तारीख को बन रहे हैं ये करेले, पर फ्रेश थे, बिल्कुल फ्रेश थे, कोई भी करेला ऐसा नहीं था कि ख़राब हुआ हो। और मैं तो करेले कभी खाती ही नहीं थी, सीरियसली बोल रही हूँ, कभी नहीं खाती थी। जब मैं अपने ससुराल में अपने सासू माँ के हाथ के बने हुए करेले खाए, फिर मुझे लगा पता कि अच्छा करेले भी अच्छे होते हैं। तो इसमें क्या, जो तो पके हुए बीज है वो तो साइड में निकाल दिए, लेकिन जो कच्चा बीज है ना करेले का, वो इसी में रहने देना है, उसको कट नहीं करना है। क्योंकि जब ये हम करारा करेंगे ना सुबह बना के सब्जी को, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी इसमें बारीक बारीक टुकड़ों में काट दिया है मैंने इसको, और मैं अपने काम से फ्री हो गई हूँ। अब इसमें नमक लगाएंगे हम, और इसको छोड़ देंगे हम सुबह के लिए, ताकि इससे सारी कड़वाहट निकल जाए, पानी निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट को जो है ना वो इस तरीके से रखा है कि थोड़ी सी टिल्ट हो जाए प्लेट ना, और करेलों को एक साइड कर दिया है, सो दैट कि पानी निटर के जो है वो इस वाली साइड आ जाए, जो खाली वाली साइड है। इसके नीचे मैंने एक प्लेट लगा दिया है, अब ये ऐसे तिरछा ही रहेगा, ठीक है, सुबह तक। अब इसको ढक देंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि रात भर हमारे किचन में कुछ जीव जंतु चलते हैं या नहीं। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, बट फिर भी हो ही जाता है कि कहीं कोई कॉकरोचेज या कुछ और चीज़ हो, कीड़े मकोड़े वो चल सकते हैं इसके ऊपर ना। तो इसको हम अच्छी तरह से ढक लेंगे, और फिर सुबह इसका सारा पानी निचोड़ के जो है वो अच्छी तरह से फिर सुबह तड़का लगाएंगे। तो काम से होगी फ्री। अब मैं खाऊंगी मैंगो, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा और मुझे लग जाती है भूख, 10 बज गए, तो अब एक मैंगो खाऊंगी। मेरे पापा का मानना है कि जो मैंगो है वो बंदर के खाने की चीज़ है, क्योंकि इसको खाने के लिए ना आपको वॉश बेसिन या सिंक के पास खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए। पर क्या स्वाद है, लोकल मैंगो है ना भाई। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, टाटा बाय बाय। मैं नहाऊंगी, नहा के फ्रेश होके अपना नाइट ड्रेस पहन के, वही वाइट वाला जो मेरे मरते दम तक साथ रहेगा, उसको पहन के फिर तसल्ली से सोऊंगी। अब ये है अगले दिन की वीडियो, और मैंने सोचा था इससे पहले शूट करने वाली थी जब मैं करेले की सब्जी बना रही थी ना,
तो मुझे लगा कि अभी शूट कर लेती हूँ, पर उतने में मम्मी का फ़ोन आ गया, फिर मैं मम्मी से बात करने में बिज़ी हो गई और मैंने सब्जी तड़क भी दी है। नहीं तो मुझे लगा था कि मैं मतलब रेसिपी बताऊंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं, जो मतलब मेरी सासू माँ बनाती है उस तरीके से, क्योंकि मैंने तो कभी करेले की सब्जी खाई नहीं थी, कभी भी नहीं खाई थी। जब मैं अपने हॉस्टल टाइम पे थी वहाँ पे करेले की सब्जी बनती थी, सारे खुश होते थे कि करेले की सब्जी बनती, मुझे उल्टी आती थी, मैं सोचती थी परमात्मा भूखा रहना पड़ रहा था उस दिन। फिर जब माँ अपने ससुराल आई, फिर वहाँ पर जब मैंने खाई करेले की सब्जी, उन्होंने यम्मी बनाई होती थी भाई सच में, फिर मुझे स्वाद लगा, मैं कहा अच्छी होती है यार करेले की सब्जी भी, तो मैं उनकी स्टाइल वाली रेसिपी बना रही थी, बट शूट नहीं कर पाई, ऐसे दिखा देती हूँ अब। ये देखो, तो इसमें सिर्फ प्याज डली है और टमाटर नहीं डले हैं, प्याज और लहसुन डली है सिर्फ ना, और तेल थोड़ा इसमें हल्का सा ज़्यादा लगता है, और इसमें बारीक बारीक काट के करेलों को जो है वो डाल दिया है मैंने। रात को जो मैंने मतलब उसमें नमक लगा के रखा था ना, उसके बाद पता कितना पानी निकला, मैंने वेस्ट कर दिया। इस गिलास है ना, इस गिलास से पूरा एक गिलास पानी निकला है निचोड़ के, जैसे जो ये करेले थे इनको निचोड़ा मैंने, पानी निकला सारा, एक गिलास पानी निकला होगा पूरा, फिर निचोड़ के साथ ही साथ इसमें डाल दी गई। और अब इनको हम ना पहले अच्छे से पकने देंगे ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद ढक्कन हटा देंगे, फिर इनको करारा होने के लिए छोड़ देंगे। बिना ढक्कन के जब पकाएंगे ना तो ये करारे हो जाते हैं, और इसके जो सीड होते हैं वही ज़्यादा स्वाद लगते हैं फिर करारे होने के बाद में। अभी इसको अभी तो फ़िलहाल पकने देते हैं ढक्कन लगा के, फिर उसके बाद निकाल के फिर वैसे पकाएंगे नॉर्मली।